साहब रिवर बिड़ताना गांव के ग्रामीणों ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जींद जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दो गांव की पंचायत हुई है और उसमें फैसला लिया गया है कि जो भी व्यक्ति पंचायती चुनाव के लिए नामांकन भरेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके चलते व्यक्ति पर 5 लाख रुपए जुर्माना व उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जींद जिले से यह एक सबसे बड़ी खबर अहम निकलकर सामने आ रही है, जहां दो गांव की ग्रामीणों की पंचायत हुई है और पंचायती चुनाव न लड़ने का फैसला इसमें लिया गया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से चाबरी बिड़ताना गाँव के ग्रामीण व अन्य ग्रामीण धरने पर रास्ते को लेकर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि 152D पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें उनको रास्ता नहीं दिया गया, जिसके चलते वह लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते 25 गांव का रास्ता जो है प्रभावित हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने यह अहम फैसला लिया है, जिसमें कहा गया कि कोई भी प्रत्याशी चाहे वह जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच या पंच का चुनाव है उसके लिए नामांकन नहीं करेगा और न ही चुनाव लड़ेगा। अगर कोई प्रत्याशी नामांकन करता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना व हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, यह कहना है ग्रामीणों का। मामला तो यू है भी इन्हें तो ऊपर हो गए बैठे ने है, और इतना बुरा हाल आड़े हो रहे ने, सरकार ने आप पे सोचना चाहिए रे, एक भी इन्हें तो ये बैठा रखे अपनी जीरी काटे काम करे, पशुआ का काम भी है और भी काम है। क्या समस्या बनी है यहाँ? समस्या तो रास्ते की है, रास्ते की है, जो इसके नीचे पानी है जमीन में, अरे अंडर पास कामयाब नहीं है और ऊपर को रास्ता ही नहीं देना चाहिए, सरकार ने तो खुद संभाल करनी चाहिए। धरना चल लगा हुआ है? धरना तो एक दिन तो ऊपर हो लिया, ये किसान देख ले कितने बैठे अड़े। तो क्या मांगे अभी? मांगे तो ये रास्ता होना चाहिए, अलग कर दिया तो बॉर्डर बना दिया, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता देश में। प्रधानमंत्री ने सोचनी चाहिए, गृह मंत्री ने, हूँ तो CID इनकी देश देश महान है, अरे ईसा ही हमारे मुख्यमंत्री। इसको लेकर कोई पंचायत हुई है? हाँ पंचायत हुई, यार आगे सख्त फैसले लेवांगे। क्या क्या फैसला लिया गया जो पंचायत लिपती तो न्यू है कोई, जहाँ आराम तो मान जा प्रशासन गांव में चुनाव उसको लेकर क्या फैसला लिया गया है? एक चुनाव का बहिष्कार कराया है। अच्छा जी, तो क्या क्या बहिष्कार किया है, किस तरह किया है भाई? जब तक इन वोट का बहिष्कार है, कोई भी इलेक्शन हो चाहे जो चुनाव है पंच के सरपंच के, इसमें वोट नहीं डालेंगे। क्या नाम होगा? रामचंद्र ग्रोड़ बेटा। बात यह है, जो 352 D है यू, इस पर रास्ता चाहिए हमने, चाबरी बिड़ताना रास्ता क्लोज कर दिया, ये अंडर पास देना चाहो, अंडर पास पहले ललित खेड़ा वाला हमने बड़ी तकलीफ दे रहा, हम निकल नहीं सकते, 50 गाड़ी तो सीज हो ली बड़े अंडर पास के अंदर, यही हाल यहाँ होगा। हम दोनों भाई आपस में गाँव मिल भी नहीं सकते, और बस स्टॉपेज बना हुआ वहाँ चढ़ाएंगे किस लिए, किस पर चढ़ाएंगे हम जब रास्ता ही नहीं है? फिर थाना स्टॉपेज दिया 152 पर, D 152 पर कहाँ को चढ़ेंगे? तो कौन से गांव यहाँ धरना पर है? ये चाबरी बिड़ताना, लुधाना, मुरखी, गांगोली, नडाणा, ललित खेड़ा, ये कई कई गांव है। ये सुबह सिंह है चाबरी। हाँ तो कब तक चलता रहेगा ये? तो अनिश्चित काल है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। तो गांव में पंचायत हुई इसको लेकर? गांव में पंचायत है बेटे, दोनों गांव इकट्ठे हो लिए, बहिष्कार कर दिया भाई, हम ना इलेक्शन लड़ाएंगे ना लड़न देंगे, ना किसी को वोट डालन जाए ना डालेंगे। यदि को लड़ता है तो किस तरह का है? यदि को लड़ता है तो इलेक्शन बहिष्कार कर दिया यार, 5 लाख से भी ऊपर जुर्माना, जात से घेर देंगे, मतलब जो भी अपना सामाजिक काम है उसका बहिष्कार कराएं पूर्ण रूप से। हुक्का पानी की कुछ बात हुई है? तो हुक्का पानी वाला सब कुछ होगा जो सामाजिक कार्रवाई है, जो कोई इलेक्शन लड़ेगा 5 साल का। क्या नाम है? ओम प्रकाश। सो के जो
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। ये अरे वो ए कमेंटर वो जरूर करे, अगर कोई कमी पेशी लागत है।